हाथरस मामले को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हाथरस कांड में पुलिस का बयान सामने आया है, 1 लाख का जो इनामी मधुकर प्रकाश था वो गिरफ्तार हो गया है दिल्ली के नजफगढ़ से, और माना यह जा रहा है कि मुख्य आयोजनकर्ता यही था। इसका अभी जो जानकारी है, 1 लाख का इनाम इस पर रखा गया था। कैसे भगदड़ मच गई थी, आयोजकों ने कैसे कानून का उल्लंघन किया था, इस आयोजन को करने के लिए नियमों का पालन नहीं किया गया था, चरण रज के लिए भगदड़ मच गई थी, ये भी जानकारी सामने आई है। शुरुआती जांच में आयोजकों की लापरवाही जो कि सीधे तौर पर दिखाई देती है, भीड़ को संभालने के लिए कोई नहीं था, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराव क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को व 2 अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराव में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराव पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार। पुलिस अधिकारी ये जानकारी देते हुए कि कैसे मुख्य आयोजनकर्ता को पकड़ा गया है दिल्ली के नजफगढ़ से, और इस पूरे मामले को लेकर बहुत से खुलासे हैं कि कैसे जो भक्त थे वो टूट पड़े पैरों की धूल लेने के लिए और फिर हो गई ये भगदड़, या नियमों का पालन हुआ नहीं। आयुष मेरे साथ में है। आयुष, ये जो बाबा है ईश्वर से कनेक्शन होने की बात करता है, दावा करता है कि परमात्मा से साक्षात्कार मेरा हुआ है, लोग इसे भोले बाबा, स्वयं भू भोले बाबा ये कहता है, खुद को भोले बाबा समझकर इसे सुनने के लिए जाते थे, लाखों लोग इसका प्रवचन सुनते थे। मेरा सवाल ये है कि जो मीडिया में इसने बयान दिया है वो एक पेपर पर पढ़ते हुए, उसने कैमरे की तरफ नजरें नहीं की, वो पूरा पेपर पढ़ रहा है तब वो अपनी बयान को दे रहा है, बयान से मतलब वो अपना दुख जाहिर कर रहा है, जो 4 लाइन दुख के लिए शोक के लिए नहीं बोल पाया वो प्रवचन क्या देता होगा। जी देखिए, जो इस बाबा का बयान है ना वो कोई बयान नहीं है, वो बस एक ढकोसला है। ये ढकोसला मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हादसे के 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद ये बाबा का एक वीडियो मैसेज सामने आता है जिसमें सिर्फ वो ये बात बोलता है कि जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिन लोगों की मृत्यु हुई उसके लिए वो दुख प्रकट करता है। क्या ये बयान था 123 लोगों के मरने के बाद, जिसमें एक बच्चे ने अपनी माँ खो दी, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया, एक महिला ने अपना मासूम 3 साल का बच्चा खो दिया, कई मासूम शिशुओं की इसमें मृत्यु हो गई, उसके बाद ये बाबा ये ढोंगी ये बयान जारी करता है कि हमें दुख है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कौन है ये दोषी? जब 40,000-80,000 लोगों की परमिशन मांगी जाती है, 2.5 लाख लोगों को बुला दिया जाता है, तो कौन दोषी है? जब पुलिस के महज 40 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होते हैं तो कौन दोषी है? जब एम्बुलेंस वहां पर नहीं लगाई जाती तो कौन दोषी है? ये बड़ा सवाल है जिसके 4 से 5 दिन बाद बाबा आकर सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे खेद है, अगर ये वाकई परमात्मा है, वाकई भगवान का अवतार है तो आया क्यों नहीं ये 4-5 दिन से सामने? 4-5 दिन तक ये बाबा कहाँ छुपा हुआ था? 4-5 दिन बाद आकर ये बाबा ये बोलता है कि मुझे दुख है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल संवेदनहीन बयान है, ये लिखा हुआ बयान है और ये बिल्कुल कवर अप करने की कोशिश है उस पूरे मुद्दे को कि बाबा सामने आ गया, बाबा ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दी, लोग भूल जाएंगे। लेकिन ये भूलने वाली चीज नहीं है क्योंकि वो 123 लोगों का परिवार इस बाबा को कभी माफ नहीं करेगा, वो 123 लोगों का परिवार इस बाबा को कभी नहीं भूलेगा, वो 123 लोगों का परिवार हमेशा याद रखेगा कैसे इस प्रकार से इस ढोंगी बाबा की वजह से 123 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। 123 लोग जो बेमौत मारे गए, और मौत को लेकर जानकारी आयुष जो इससे पहले भी आप शेयर कर रहे थे, इनफैक्ट कल भी आप दिन भर बताते रहे कि 123 लोग मारे गए हैं, कैसे उनमें जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो महिलाओं की है, क्योंकि आपने बताया कि महिलाओं को सम्मोहित करता था ये बाबा, सम्मोहित करता था, कई परिवार उजाड़ दिए थे, जिसका एक सबूत तो ये भी है ना आयुष कि जो 123 लोग मारे गए हैं उसमें 112-113 के आसपास तो सिर्फ महिलाएँ ही हैं। ये देखिए, यहाँ पर ना एक जो बड़ी थ्योरी सामने आई है वो ये है
ये महिलाओं को ये बोला करता था कि आपके परिवार का भला होगा, आपके पूरे जो परिवार है, आपका पति है, आपका बच्चा है, इन सब का मैं कल्याण करूंगा। ये बातें कई चश्मदीदों ने हमें बताई, कई घायल मरीजों ने हमें बताई है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ सामने आती है, जब आप एक महिला को ये बात बोलते हैं कि उसके संतान का भला होगा, एक महिला को ये बात बोलते हैं कि उसके पति का भला होगा, तो ऐसे में एक कह सकते हैं हम कि एक महिला होने के नाते वो अग्रसर हो जाती है उस रास्ते की ओर, उस रास्ते की ओर बढ़ने लगती है जहाँ पर उसके परिवार का भला हो, जहाँ पर उसके संतान का भला हो, क्योंकि ये जो कहते हैं ना मातृत्व एक महिला के अंदर जो भगवान ने दिया है वो उजागर हो जाता है। उस चीज़ का फायदा इस फ्रॉड बाबा ने उठाया, उस चीज़ के चलते इसने महिलाओं को इस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया, इस प्रकार से उनके दिमाग पर इसने अपना वश जमा लिया कि महिलाओं को ये खास तौर पे बरगलाकर बुलाता था, महिलाओं को खास तौर पे बरगलाकर ये चमत्कारी चीज़ें होने का दावा करता था, महिलाओं को खास तौर पे बरगलाकर ये कहता था कि इस हैंडपम्प के पानी को आप घर ले जाइए तो आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। ये चीज़ें उसने खास तौर पे महिलाओं को एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर की। जब भगदड़ मचती है तो महिलाएं उस फ्रॉड उस ढोंगी बाबा की चरण धूली लेने के लिए भागती है, उसके पैरों की धूल लेने के लिए भागती है, और उसी बीच ये हादसा हो जाता है कि पैरों की धूल लेकर जो अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहती थी, जो अपने परिवार के कष्ट दूर करना चाहती थी, वहां परिवार पर दुखों का पहाड़ इस तरह से टूट जाएगा। 123 जाने अब तक जा चुकी है।